सब्सक्राइब करें अपने YouTube चैनल आरके अबाउट मेडिसिन चैनल को और बेल के आइकन को प्रेस करें, ऑल पे क्लिक करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं डॉक्टर राहुल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आरके अबाउट मेडिसिन चैनल में। दोस्तों, यदि कोई महिला बिना प्रेगनेंसी टेस्ट के अनवांटेड किट ले लेती है तो ऐसे कंडीशन में उन महिला के अंदर कई सारे क्वेश्चन चलते हैं कि मैंने बिना प्रेगनेंसी टेस्ट किए अनवांटेड किट ले लिया है, ऐसी स्थिति में क्या होगा नहीं होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इन सारी चीजों के ऊपर हम जानकारी लेंगे, तो वीडियो में आप बने रहे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात तो बिना प्रेगनेंसी टेस्ट किए अनवांटेड किट लेनी नहीं है। दोस्तों, प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए मार्केट में किसी भी मेडिकल स्टोर में हमें प्रेगनेंसी किट मिल जाती है। ज्यादातर दोस्तों प्रेगा न्यूज किट के नाम से मिलती है। हमें इसे लेकर के हमें सबसे पहले प्रेगनेंसी टेस्ट करनी होती है। अगर प्रेगनेंसी टेस्ट में रिजल्ट पॉजिटिव आती है तब हमें अनवांटेड किट लेने की जरूरत है, और रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आती है तो दोस्तों हमें अनवांटेड किट लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि कोई महिला बिना प्रेगनेंसी टेस्ट किए अनवांटेड किट को ले लेती है तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों दो चीजें होती है, या तो महिला को ब्लीडिंग हो भी सकती है या तो नहीं भी हो सकती है। यह होने का दोस्तों यही वजह है कि जो अनवांटेड किट होती है उसके अंदर दो कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट्स जो होती है वह होती है दोस्तों मेफीप्रिस्टोन। दूसरी जो कंपोजिशन होती है वह जो होती है दोस्तों मिसोप्रिस्टोन। मेफीप्रिस्टोन का जो वर्क होती है हमारे बॉडी के ऊपर वह यह होती है दोस्तों, सबसे पहले इस चीजों को हम समझते हैं कि अगर यूटेरस में शिशु पल रहा है तो यूटेरस को प्रोटेक्ट करने का काम करती है वह है दोस्तों प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। उस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को यह मेफीप्रिस्टोन जो है हार्मोन उसको डिस्कनेक्ट करने का काम करती है, जिससे कि गर्भ में जो बच्चा पल रहा होता है वह दोस्तों डेड हो जाती है। दूसरी जो कंपोनेंट होती है वह होते दोस्तों मिसोप्रोस्टोल। मिसोप्रोस्टोल का जो वर्क है बॉडी के ऊपर यह क्या करती है दोस्तों, यूटेरस में जाकर के यूटेरस के कॉन्ट्रेक्शन पैदा करती है, और कॉन्ट्रेक्शन होने की वजह से ही ब्लीडिंग होता है, और ब्लीडिंग जब होती है तो ब्लीडिंग के रास्ते से जो भ्रूण होता है वह दोस्तों डिस अवॉइड हो जाता है। इस तरीके से यह अनवांटेड किट वर्क करती है। लेकिन यदि कोई महिला बिना प्रेगनेंसी टेस्ट किए बिना या अनवांटेड किट ले लेती है या उस महिला के अंदर प्रेगनेंसी का पॉजिटिविटी नहीं है, ऐसे कंडीशन में भी इस अनवांटेड किट को लेते हैं तो ब्लीडिंग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। साथ ही सिम्टम्स के तौर पे महिला के अंदर कुछ साइड इफेक्ट भी देखी जा सकती है, जैसे दस्त होना, पेट में बहुत ज्यादा दर्द होना, क्रम्प होना, वोमिटिंग होना, यह सारी साइड इफेक्ट देखी जा सकती है। इसके साथ ही अगर महिला को ब्लीडिंग हो रही है और वह ब्लीडिंग रुक नहीं रहा है तो अपने नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करें। अगर उनसे भी नहीं हो रही है तो आप अपने किसी गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जाकर के संपर्क करें। ऐसे स्थिति में अगर आपका जो बॉडी वेट है वो बढ़िया नहीं है, आप वीक हैं, कमजोर हैं और बिना प्रेगनेंसी के अब अनवांटेड किट ले लिए हैं तो यह सारी चीजें आपके अंदर देखने को मिल सकती है, तो आप सजग रहें, जागरूक रहें और बिना प्रेगनेंसी टेस्ट किए अनवांटेड किट का इस्तेमाल ना करें।